बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ भरत जी का मन मृग में लग गया और मन भरत जी मृग बन के आ गए। जहां मन लगा है वही बन के आ गए। इसलिए कहता हूं मन भगवान में लगाओ तो कल्याण होगा, संसार में मन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। भरत जी का मन भगवान में लगा नहीं, मृग में लगा, मृग बन के आए। तीसरे जन्म में फिर वो मनुष्य बने, राजा रहुगण को उपदेश देके उनका कल्याण किया। जब हम मर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ये बात हमने कल कही थी, आज बताने के लिए आइए जरा हम विस्तार से आपको समझा दें कि हमारे मरने के बाद हमारे संग होगा क्या, हम कहाँ जाएंगे, कैसे आदमी धरती से ऊपर जाता है और कैसे कैसे वो ऊपर रहता है और कितने दिनों में फिर उसका क्या होता है, वो सारी बातें जरा समझो। मैया सुनो, जब हम यहां से मर के जाते हैं तो हमारी आत्मा निकलती है शरीर से, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। आत्मा निकल गई तो लोग कहते हैं मर गया, आत्मा निकलती है और आत्मा अकेली नहीं जाती, आत्मा के संग एक चीज और जाता है शरीर से। शरीर से दो चीजें निकलती हैं, एक तो आत्मा है, दूसरा क्या है कौन बताएगा, क्या? हाँ आप ठीक कह रही हैं मैया जी, सूक्ष्म शरीर, उसे मन भी कहते हैं, उसे आप सूक्ष्म शरीर कहें या फिर मन। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा मन निकल के चला जाता है, मन और आत्मा दोनों। मन को सूक्ष्म शरीर भी विद्वान लोग कहते हैं। तो ये दो चीज दोनों एक में हो जाते हैं, मन में आत्मा मिल जाती है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है और यमदूत पकड़कर किसे ले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर मन को, आत्मा को। चलो ले गए, यहां से कहां ले जाते हैं, यमपुरी, यहां से 99,000 योजन की दूरी पर, पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण की ओर यमपुरी, वहां ले जाते। हमें वहां तक पहुंचने में 13 दिन लगते ही होती है प्राणी की। उस दिन वो यमपुरी पहुंचता है और उस दिन से उसका हिसाब किताब चालू हो जाता है। तो 13 में आप जो पुण्य करते हैं उस व्यक्ति के नाम का खिलाना पिलाना समाज को, वो सारा उसके पुण्य में जुड़ता। भाई आप उसके नाम से ना खिलाते, 13 ब्राह्मण बुलाते हैं, आप क्या 13 ब्राह्मण बुलाते हैं कि नहीं 13 में, हाँ या ना, 13 ब्राह्मण खाते हैं, फिर समाज खाती है, फिर सबको मिलता है, गांव क्षेत्र के कुत्ता बिल्ली भी उस दिन उसके नाम का कुछ ना कुछ खाते हैं, सब होता है। उस सब का खिलाया पिलाया पुण्य उस मृत व्यक्ति के खाते में जुड़ता है और 13वें दिन से उसका हिसाब किताब चालू होता है। अब यमराज जी उसका हिसाब किताब करते हैं कि आपने जन्म से मृत्यु तक कितने पाप किए और कितने पुण्य किए। तो पापों को अलग किया जाता है, पुण्यों को अलग किया जाता है। तो आपके जब पाप पुण्य अलग होंगे तो आपका ज्यादा क्या होगा, पाप की पुण्य, आपसे सवाल है मेरा सबसे। जब आपके हिसाब किताब होगा यमराज जी करेंगे तो आपके पाप ज्यादा होंगे या पुण्य? मैया बोल दो मेरी माँ, क्या ज्यादा होंगे आपके? आप अधिकांश लोग कह रहे हैं पाप ज्यादा। जब आप पाप ज्यादा कर रहे हैं तो इसमें जरा कंट्रोल क्यों नहीं करते आप लोग? जब आपको पता है कि हम पाप कर रहे हैं
और ये हमें घोर नरक ले जाएगा, कष्ट देगा, फिर भी आप लोग रुक क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं मोड़ रहे हैं अपने आप को, क्यों नहीं अपनी भावनाओं को अपने विचारों को बदल रहे हैं आप, क्यों नहीं गलत रास्ते छोड़ रहे हैं आप। चलो, यमराज जी ने हमारा हिसाब किताब किया, हमारे पाप अलग किए, पुण्य अलग किए, तो हमारे पाप निकले हैं 5 किलो। पाप कितने निकले? 5 किलो। किसी का कितने जेल है भगवान के? जैसे हमारे भारत में हमारी सरकारों के द्वारा हर जिला का जेल होता है, फिर हर राज्य जेल होता है, फिर सबसे बड़ा जेल तिहाड़ जेल है, ऐसी भगवान के 84 लाख जेल है। कितने जेल मेरी माँ? तो आपके जो 5 किलो पाप हैं, उन 5 किलो पापों को भोगने के लिए आपको 84 लाख में से कुछ जेलों में भेजा जाता। जाओ, कौन सा जेल? आपको कुत्ता बना के भेज दिया। अब आप कुत्ते के शरीर में हैं, तो कुत्ता का शरीर ही तो जेल है, उसके अंदर आप चाह करके भी आप कहां जाएंगे भाग के? फिर आपको भगवान ने बिल्ली बनाया, अब बिल्ली रूपी जेल में आप हैं। फिर आपको भगवान ने नाली का कीड़ा बनाया, 5 किलो पाप भोग रहे हैं आप, फिर नाली का कीड़ा बनाया, नाली का कीड़ा उस शरीर में भी आप घुसे हैं, तो आप जेल में हैं। ऐसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हर 84 लाख योनियों में हमें भेजा जाता है। 84 का चक्कर लगाओ, 84 योनियों में जाके, 84 लाख योनियों में जा जाके हमने भोगा, उससे क्या हुआ हमारे 5 किलो पाप? 5 किलो पाप, 5 किलो पाप, बम। 5 किलो पाप क्या हो गए? बम हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए मैया। अब क्या बचा आपका? केवल 100 ग्राम पुण्य बचा। तो अब यमराज जी ने कहा, आप 100 ग्राम पुण्य लेकर अब फिर से मनुष्य बनकर जाओ, और अब ज्यादा पुण्य लेकर आना, तब फिर तुम्हारा मोक्ष कर देंगे। और अब की बार फिर से तुम 100 ग्राम पुण्य लाए और 5 किलो पाप लाए, तो फिर 84 का चक्कर है। ऐसे कई बार हमारा और आपका जन्म हो चुका है। ये मनुष्य का शरीर जो तुम पाए हो, पुण्य प्राप्त करने के लिए पाए हो, लेकिन आज पुण्य कम, पाप ज्यादा हो रहा। इसलिए तो लिखा है महापुरुषों ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी गावा। बड़े भाग्य से दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है मेरी माँ। आप लोग, हम सब लोग कुत्ता बिल्ली बन के आए, इसलिए समझ लो संसार में ना उलझो, भगवान में ध्यान लगाओ। कल्याण चाहते हो तो नहीं, दुर्गति बहुत होती। तो ये 84 लाख योनियां हमको ही भोगनी पड़ेंगी, हमें ही जाना पड़ेगा यदि हम गलत काम करेंगे तो। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरी माँ। सुनो, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपये